गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली अर्थक्वेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है मशीन फाउंडेशन डिज़ाइन का। तो सबसे पहले देखिए, दिस फाउंडेशन आर सब्जेक्टेड टू डायनेमिक लोड। जब भी डायनेमिक लोडिंग आएगी फाउंडेशन के ऊपर तो हमको मशीन फाउंडेशन डिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ठीक है, तो किस प्रकार की लोडिंग्स में या किस प्रकार के मूवमेंट अगर हो रहा है तो ये मशीन फाउंडेशन डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ देखिए, दी लोड में रिजल्ट फ्रॉम वेरियस कॉजेस सच एस वाइब्रेटरी मोशन ऑफ मशीन, मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, कोई व्हीकल मूव कर रहा होगा जिसकी वजह से वाइब्रेशन होगा, इम्पैक्ट ऑफ हैमर, अर्थक्वेक, विंड वेव्स, न्यूक्लियर ब्लास्ट, एक्सप्लोजिव, पाइल ड्रिलिंग, इस तरह के जब मूवमेंट्स होते हैं तो डायनेमिक लोडिंग क्रिएट होती है। ठीक है, तो डायनेमिक लोड ट्रांसमिटेड टू द फाउंडेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द स्ट्राटा बिलो कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ सॉयल डायनेमिक्स एंड थ्योरी ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड, स्टैटिक और डायनेमिक लोड के बीच में क्या फर्क है। ठीक है, व्हाट इज द एग्जैक्ट डिफरेंस। तो फर्स्ट हम देखेंगे स्टैटिक लोड, स्टैटिक्स क्या होती है। जैसे ये कोई ब्लॉक है, इस पर हमने एफ फोर्स लगाया है और डब्ल्यू का वेट डाउनवर्ड काम कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन ऊपर लग रहा है यहाँ पर। और जैसे ही एफ फोर्स लगाएंगे, फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू एन वो जो है इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू एन के और एफ बराबर म्यू इंटू एन। ठीक है, अगर हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशंस लगाते हैं यहाँ पे, दैट्स स्टैटिक इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू सॉल्व, यानी कि समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो एंड मोमेंट ऑफ ले रहे हैं अगर। ठीक है, तो इस ये सब अप्लाई करके हम क्या है स्टैटिक्स की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो फोर्स एफ लग रहा है, फोर्स इज नॉट टाइम डिपेंडेंट फोर्स, ये टाइम पर डिपेंडेंट फोर्सेज नहीं है। ठीक है ना, हम कंसीडर नहीं करते हैं। बट डायनेमिक लोडिंग में क्या होता है, देखिए यहाँ पर ठीक एफ जो है दैट्स ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स होगा। ठीक है ना, डायनेमिक लोडिंग में और स्टैटिक लोडिंग में यही बेसिक फर्क हो जाता है, एफ इज टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, और ये डब्ल्यू और एन तो ठीक वैसे ही काम करेगा। ठीक है, जैसे ही एफ फोर्स लगाएंगे म्यू इंटू एन जो है नॉर्मल रिएक्शन काम करने लगेगा और ठीक उसी वक्त इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट भी इसके ऊपर लगेगा। ठीक है ना, इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इक्वेशन जो हमारा बना एम एक्स डबल डॉट प्लस म्यू इंटू एन इक्वल टू एफ टी, दिस इज द इक्वेशन फॉर डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो डायनेमिक लोडिंग का मतलब कंक्लूजन ये निकला कि जब भी इनर्शिया फोर्स काम कर रहा होगा तभी प्रॉब्लम डायनेमिक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है ना, इज दैट क्लियर। देखिए हमने नीचे लिखा भी है, इट्स मीन्स विदाउट इनर्शिया फोर्स प्रॉब्लम इज नॉट ट्रीटेड एज डायनेमिक प्रॉब्लम। ठीक है, वही चीज देखिए, हमने स्प्रिंग लेकर के भी समझाया हुआ है कि स्प्रिंग लिया है, मास यहाँ मास है, मैं इसको कुछ डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्प्रिंग कनेक्ट किया है हमने और इस पर कुछ फोर्स हमने लगाया डाउनवर्ड। ठीक है ना, तो मतलब कुछ फोर्स नहीं लगाया, ऐसा ना बोलिए, कुछ फोर्स से हम इसने इसको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। ठीक है ना, फोर्स नहीं लगाया था, हम इसको ये कहेंगे कि हमने कुछ इसको डिस्प्लेसमेंट दिया मास एम को डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट देंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है दैट्स के इंटू एक्स और इनर्शिया फोर्स एम एक्स डबल डॉट, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हमने इक्वेशन बनाया है एम एक्स डबल डॉट प्लस के इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम आते हैं पीरियोडिक फोर्स। पीरियोडिक फोर्स क्या होता है, पीरियोडिक फोर्स क्या है कि यहाँ पर देखिए एक ग्राफ दिखाया है, ये ग्राफ, ये तीनों ही ग्राफ जो है हमने यहाँ पे जो दिखाया है ए बी सी जो तीनों ग्राफ है हमारे, तीनों ही ग्राफ हमारे पीरियोडिक फोर्स के लिए ग्राफ है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए
एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे आफ्टर ए टी इंटरवल, ठीक है ना, आप इसमें ले लीजिए, इस फिगर में लीजिए, ये अपने पथ को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है। और वही ट्रांजिएंट फोर्स अगर लगता है तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक समय तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, फिर धीरे 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 करके एकदम जीरो हो जा रही है, ठीक है ना। तो ट्रांजिएंट फोर्स क्या है कि एक टाइम पे बहुत हाई है, फिर धीरे 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 करके लो हो रही है। अभी इसमें देखिए यहाँ पे फोर्स और टाइम के बीच हमने भी अभी यहाँ पे भी ट्रांजिएंट दिखाया हुआ है कि धीरे धीरे यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, यहाँ तक बढ़ा है, मैक्सिमम गया, फिर अचानक जीरो हो गया। ये भी ट्रांजिएंट फोर्स का ही ग्राफ है। यहाँ पर देखिए फोर्स और टाइम के बीच, दैट्स ऑल्सो ट्रांजिएंट, बट इसको हम बोलते हैं इम्पल्स। तो यहाँ से देखिए एकदम पहले जीरो है, अचानक बढ़ा, फिर डाउन हो गया। इट्स ऑल्सो फोर्स एंड टाइम रिलेशन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ये ग्राफ की स्टडी टू डिजाइन फॉर ए मशीन फाउंडेशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट मशीन जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। कोई बहुत स्मॉल नेचुरल फ्रीक्वेंसी का होता है, कुछ हाई नेचुरल फ्रीक्वेंसी का होता है। तो वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन टाइप्स ऑफ मशीन फाउंडेशन, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मशीन फाउंडेशन।